ब्रेक के बाद एक बार फिर क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पब्लिसिटी दो धारी तलवार है। जी हां, सुर्खियों से दुकान चलाने वाली राखी सावंत एक नए झमेले में फंस गई। हालत यहां तक पहुंच गई है कि विवादों की इस मलिका के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और पुलिस थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। अगर इधर दोबारा देखा ना, कान के नीचे लगा दूंगी। राखी सावंत का बड़बोलापन उसके गले की फांस बन गया है। तुम्हारी सेटिंग बिगाड़ दूंगी ऊपर से नीचे तक। राखी का इंसाफ में झांसी से अपने पारिवारिक झगड़े से निपटारा चाहने वाले लक्ष्मण को राखी ने इतना बुरा भला कहा कि उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। और राखी ने लक्ष्मण के पुरुषार्थ पर ही उंगली उठा दी। अरे तुम तो बोलो तुमको ना मारा दो, अरे तुम तो बोलो तुमको ना मारा दो। और उस पर समाज के तानों ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मुंबई के मुलुंड थाने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राखी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और जम के प्रदर्शन किया, जिसके कारण वो शो को उसने ताबड़तोड़ बीच में से छोड़ के घर चले गया। वो झांसी का रहने वाला है, तो वहां पे जाके वो 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया और 4th दिन 10 तारीख को उसकी मौत हो गई। तो हम आज यह कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुआ है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग हैं। हमारी ये मांगनी है कि जो सेक्सुअल अब्यूज जो भी उन्होंने वापरा है उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च किया जाए और ताबड़तोड़ राखी सावंत को अरेस्ट किया जाए। गौरतलब है कि राखी के खिलाफ झांसी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जिन धाराओं के तहत राखी पर मामला दर्ज हुआ है, उन धाराओं के तहत उसे कम से कम 6 महीने जेल में रहना पड़ सकता है। राखी सावंत यांनी एका कार्यक्रमामध्ये काही लोकांच्या विरोधात किंवा एका मुलाच्या विरोधात जे अपशब्द वापरले आणि त्याच्यामुळे त्यांनी नैराश्यातून आत्महत्या केलेली आहे, त्या संदर्भात त्यांच्यावर ॲक्शन, राखी सावंतवर ॲक्शन घ्या या संदर्भात माझ्याकडे कंप्लेंट प्राप्त झालेली आहे। मुलुंड पोलीस स्टेशनचा या ठिकाणी संबंध नसल्याने मी ही संबंधित कंप्लेंट आमच्या हेड ऑफिसला फॉरवर्ड करणार आहे। बहरहाल राखी तो लक्ष्मण को इंसाफ नहीं दिला सकी, लेकिन लक्ष्मण को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में अब राखी को हकीकत की अदालत में हाजिरी लगानी होगी। विनोद राय, क्राइम डेस्क, समय मुंबई। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, तो आप चलते रहिए समय मुंबई के साथ।